आमतौर पर अक्सर हम सरकारी विभागों की नाकामियों की चर्चा करते हैं, लेकिन सरकारी विभागों में भी तमाम ऐसे काम होते हैं जो देश हित के लिए होते हैं, समाज हित के लिए होते हैं और जिनसे आम जनता को काफ़ी फायदा होता है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने एक नई तकनीक को ईजाद किया है जिसकी वजह से सड़क निर्माण का जो बजट है पीडब्ल्यूडी का, उसमें हज़ारों करोड़ की बचत हो रही है और यह नई तकनीक जो है इको फ्रेंडली भी है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और विश्व स्तरीय मजबूत सड़कें उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष इंजीनियर वीके सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, क्या है ये नई तकनीकी और किस तरह से लाभ हो रहा है इससे? देखिए, दिसंबर 2018 में हमारी वर्तमान गवर्नमेंट ने और विशेषकर माननीय उप मुख्यमंत्री ने के कहने पर हमने एक प्रयास किया लखनऊ कॉन्फ्रेंस के नाम से। उसमें हमने प्रदेश और देश के जितने भी तकनीकी विशेषज्ञ हैं, आईटी जो CRI और कई स्टेट्स के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स को बुलाया और ये बताया कि लोक निर्माण विभाग ने पत्थर जो हम सड़क में इस्तेमाल करते हैं उसको स्टेबलाइज करने के कई तरीके होते हैं। उसमें जो सबसे कॉमन है वो सीमेंट का है, बट सीमेंट की बजाय हमने इमल्शन के साथ स्टेबलाइज करना शुरू किया और ये तकनीक इस तरह की पहली बार देश में इस्तेमाल की गई है। इस तकनीक का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि एक तो लगभग लागत हमारी 20-25% कम हुई और लागत के साथ साथ जो हम पत्थर ज़्यादा इस्तेमाल करते थे सड़क निर्माण में, यदि हमको 50 सेंटीमीटर मोटी सड़क बनानी हो तो उसकी बजाय आप 40-38 सेंटीमीटर बनानी होगी, तो ये पत्थर मीस खनन कम हुआ, इको फ्रेंडली हुई और इमल्शन को जब हमने मिलाया तो उसे गर्म नहीं करना पड़ता, तो जो बहुत सारी गैसेस पैदा होती हैं एनवायरनमेंट के लिए वो सब पैदा नहीं हुई। और इस कॉस्ट सेविंग को यदि हम देखें तो लगभग पिछले एक साल के अंदर विभाग ने लगभग 700-800 करोड़ रुपए जो नई सड़कें हम बना रहे हैं उसमें बचत की है। और इस तकनीक का अब विभाग ने, चूँकि जितने भी कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञ आए थे सब ने इसको माना, अभी IRC का एक सेशन होने जा रहा है 22 नवंबर से 25 नवंबर को नागपुर में, उसके जनरल में भी जो PWD ने काम किए हैं उस सबका ब्यौरा दिया गया है और उस जनरल का थीम ही न्यू टेक्नोलॉजी पर रखा गया है। तो अब हमने अपने विभाग में निर्णय लिया है कि जितने भी हम नव निर्माण करेंगे मार्गों के, क्या है वो नई सड़कें ग्रामीण हों या मार्गों का चौड़ीकरण, शुद्धिकरण, 4 लेन हों, सब नई तकनीक से बनाएंगे।